वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। क्या हाल सभी, आई होप सब जगह। एंड आज अपन जा रहे हैं हिमाचल, आर्यन और घर पे आए हैं। तो मामा ही चल गए, मगर आर्यन और मामी जी नहीं गए थे, तो मैं और ऋतिक जा रहे हैं उनको छोड़ने के लिए। तो अभी हम निकलेंगे थोड़ी देर में, और आर्यन अभी टीवी देख रहा है, तो ये कर रहा है, कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं लग रहा है वैसे। क्यों नहीं स्मार्ट लग रहा, हौसला मैं क्यों नहीं स्मार्ट लग रहा है यार। मौसम फिर से गंदा हो गया, इतना गंदा मौसम है ना यार, मतलब गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मगर अपन गाड़ी चलाएंगे, भाई सब गंद हो चुका है। मतलब यहाँ पे सोए थे मैं, ऋतिक आर्यन सोए थे, बुरा हाल हुआ पड़ा इधर का। आर्यनों का सामान सब कुछ पैक हो चुका है, तो ये भी सारे बाहर गए हैं, जैसे बाहर से आएंगे तो अपन निकलेंगे। तो मम्मी जी को जल्दी जल्दी पड़ेगी, काम करना है ना, काम बहुत जरूरी है। इसको यहाँ पे खड़ा किया गया ताकि ये दूध को देख सके, यार दिक्कत वाला काम है ये, बहुत दिक्कत वाला काम है, मगर इसको दिया गया है, इसको दिया गया ये काम। खराब नहीं हुआ यार, थोड़ी देर में लिया जाएगा, तुम रुको, तुम्हें तो बताया जाएगा कैसे, बस बताता हूँ ना कैसे, रुक ना तो है ही है। तो मैं सोच रहा हूँ कैमरा भी साथ में ले चलते हैं और गाड़ी गुड़ी निकालते हैं, तभी जल्दी काम होगा। तो कैमरा अपन ने पैक कर लिया, जो चाहिए था इसका चार्जर रखना, गाड़ी की चाबी चक्की जाए, कैमरा, डब्बा, चार्जर, गाड़ी की चाबी सब उठा लिया, मतलब हर सामान तो अपन को उठाना पड़ेगा ना, जो अपन को पता है कि हाँ इसका मतलब इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। तो गाड़ी के पास आ गया, गाड़ी खोल के, गाड़ी में सामान रखेंगे, उतारिए वायरिंग करी जाए, क्योंकि बैटरी है मेरे फोन में कम, तो यहाँ पे लगा के इसको यहाँ से घुमा के अभी लगा के गाड़ी की जाए ऑन। जितनी देर तक वो आते हैं, बाहर गए ना, तब तक अपन अपनी गाड़ी को घुमा के सेट करके तैयार करके रखते हैं। अभी गमला जाने वाला था, अगर गमला टूट जाता ना भैया जी, तो इतनी छितर छितर परेड होती ना, इतनी गालियां पड़ती कि भाई जी पूछो मत, अरे पूछो मत, पूछ भी कौन रहा है ना वैसे। तो अपन को कैमरा अपने रख लिया, गाड़ी स्टार्ट कर दी है, हीटर कर देते हैं ताकि जब हम निकले तो हमको ठंड ना लगे, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंडा, धुंध बहुत है। ये देखो यार, कोई धूप नहीं है, बस ठंडी ठंडा है। तैयारी कर दिया, गाड़ी निकाल दिया, उनका टाइम है, वो कब निकलेंगे कब आएंगे, जैसे तैसे अपन निकल जाएंगे। अपनी तैयारी है, मैं तैयार हूँ, ऋतिक तैयार है ना। भाई साहब अपन ये कुछ हो रहा है, कुछ तो है, क्या है भाई, क्या है, इस साइड है, कंघी छुपा रहा है इसकी, तो ऐसी की तैसी। अच्छा इसीलिए उठाई है सर। गाड़ी की हालत देखो, गंदी हुई पड़ी, इतनी गंदी, कतई जहर हुई पड़ी है। लगा तो इसको भी धुलवाएंगे या आप ही धोलेंगे, आप ही धोनी पड़ेगी यार, बाहर तो पैसे वो लगते हैं यार, 120 130 140, अभी तो 180 रुपए हो गए हैं, कौन धुलवाएगा, छोड़ो अपन धो लेंगे, 300 रुपए का शैम्पू आएगा, बाकी अपनी मेहनत लगेगी, और इसमें क्या है। अभी चलने के लिए सभी तैयार है, सामान रह गया, वो सामान रख रहे हैं पीछे डिक्की में, जो उनको सामान कुछ लेके आए थे वो सब कुछ रख रहे हैं। फिर हम निकलते हैं हिमाचल को, नानी घर जाएंगे, आज जाएंगे, फिर शायद कल आएंगे, क्योंकि मम्मी बोल रहे थे कि अगर जाना तो है ही है, वहाँ पे रह के आना एक दिन, अगर दिन सुबह आ जाना, एक दिन में इतना सफ़र तो सही नहीं लगेगा। मगर अच्छा कोई नहीं, अपन एडजस्ट कर लेंगे, मगर घर वाले सोचते हैं कि नहीं ऐसा अच्छा लगता, तो अपन जाएंगे, ऋतिक पीछे सामान सामान रख रहा है, तो चलते हैं। यहाँ पे बाय बाय होनी स्टार्ट हो गई है निकलने के लिए, हम बैठ गए गाड़ी में, मम्मी जी और ये आ रहे हैं, तो अपन ने गाड़ी बाहर लगा दी थी, ये देख लीजिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि बाहर पेड़ गिर गया था यार, इतना बड़ा पेड़ गिर गया था, अभी दिखाते हैं आपको, बाहर जाएंगे ना, इतना बड़ा पेड़ गिर गया, बच गए यार हम, तो फिर उसके लिए 2-3 घंटे लग गए उठाते उठाते, तो मामी जी वापस घर चले गए थे, तो अभी अपन निकलते हैं, तो आपको पेड़ पे दिखाते हैं, बल्कि पूरा नहीं कटा, अभी थोड़ा सा कटा, दिखाते हैं। हमारा गेट कोई खोल ही नहीं रहा यार, इतनी बेइज्जती, नहीं आगे आगे भैया, तो भैया अभी गेट खोलेंगे, इतना पेड़ गिरा था ये वाला, बच गए मगर हम, ब्रांड को बिठाते हैं बाद में, सोरो भैया उतरे हैं, पहले हम खाएंगे यहाँ पे चाट, आरएन जी की फरमाइश पे ना आज हमें चाट खानी है, तो भैया हम चाट खाएंगे। फोटोग्राफर साहब अपना कैमरा का है, मेरा कैमरा लेके उठाए हैं, आरएन जी चाट खा रहे हैं, अपन की भी आ गई, रिट्टी खा रहा है, क्या खा रहे हैं, मैंने मिर्ची डलवाई है, खाना खाए को खा लिया, चाट खा लिया, घर चलते हैं।
नानी जी के घर आ गए हैं। अभी हम खेतों में आए थे, हाल में उधर अपने गांव नजर ही नहीं आ रहा, वो वहाँ से कर रहा है दूध निकाल रहे हैं गांव का, तो वहाँ पे बिजी हैं। हम इधर आ गए थे तो अपन सोचा कि आपको थोड़ा ये माहौल दिखाया जाए। नानी और खेत है शायद, अगर अगर आप पुराने बंदे हो तो आपको पता होगा। बस एक अंकल, अगर वो यहाँ पे आ जाते ना इतनी इतनी जगह देख के, पता क्या बोलना था, यहाँ पे तो स्टेडियम बनना चाहिए, यहाँ पे क्रिकेट खेलना चाहिए, हम लोग क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। तो अंकल जी अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए जगह देखो कितनी सारी खुली रखी है, मगर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। इसलिए दूसरी बात यार, मौसम देखो यहाँ पे, मतलब हरा हरा आसमान, सॉरी ग्रीन ग्रीन, नो नो नो, ब्लू ब्लू आसमान, नीला नीला आसमान, देखो यार कितना बढ़िया लग रहा है। इस साइड देखो, ये देखो भाई साहब गांव के मजे, यहाँ पे नजारे, वहां पे सन उस सन हो रहा है, क्या होता है वो राइज, नहीं राइज तो उठना होता है, डूब रहा है यार, सीधी सी बात है यार। देखो यहाँ पे ऐसी रोशनी आ रही है हमारे, ओए होए होए होए, क्या व्यू है भाई साहब, भाई साहब व्यू देखिए व्यू। इसके लिए मैं भागता भागता ऊपर को आया यार, मतलब गजब गजब है गजब यार, इतना सेक्सी व्यू कहीं कहीं मिलेगा आप, कहीं नहीं मिलेगा यार, यही मिलेगा आपको यही। ओहो हो, और ये हरियाली, मतलब खेत है, ये पता नहीं कनक उग रही है, ये गेहूं उग रही है। तो अलार्म कहाँ से, अलार्म बज गया था, मैंने बंद किया, मगर यार इसने दिल जीत लिया, इसने दिल जीत लिया। ओ शिट, सन गया सन गया। तो अभी ये मेरे को नीचे से चढ़ा रहा है, नीचे मत गिरना, नीचे मत गिरना, चले गया।